नमस्कार, मैं हूँ निशा गई, पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट, और आप सभी का मैं अभिवंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूर्य ग्रहण हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और किन किन राशियों का इनका क्या क्या असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण जो है वो 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है और भारत में वह सवेरे 10:13 से दोपहर 1:30 तक दिखेगा, और उसका जो मध्य काल है, सबसे इम्पोर्टेंट काल जो है वो है 11:56। सूतक काल जो लगेगा वो एक दिन पहले 12 घंटे पहले लग जाता है, जो कि 20 जून को रात्रि 10:14 से जब तक ग्रहण खत्म नहीं होता, यानी कि दोपहर के 1:30 तक लगा रहेगा। तो सूतक में आपने ध्यान देना है। बहुत बातें सुनाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं ग्रहण को लेके। मैं कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी अपने मत का। जी हाँ, 5 ग्रह जो हैं वो वक्री हो रहे हैं। जब भी 5 ग्रह वक्री होते हैं, वैसे सूर्य ग्रहण आते रहते हैं, चंद्र ग्रहण आते रहते हैं, पर 5 ग्रह इकट्ठे वक्री नहीं होते हैं। क्योंकि इस बार 5 ग्रह वक्री हो रहे हैं तो एक विडंबना की स्थिति है, उत्पात की स्थिति है, तनाव की स्थिति बन रही है। सूर्य ग्रहण जो है वो मिथुन राशि में पड़ रहा है और उसका जो असर जो है वो मिथुन राशि, धनु राशि, सिंह राशि और मीन राशि में पड़ेगा। तो जिन लोगों की ये राशियां हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो नंबर जिनकी बर्थ डेट है 5, 3, 1, 8 और 7, इन्हें भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 5 ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो जब 5 ग्रह वक्री होते हैं तो एक दुर्घटना की स्थिति बन जाती है, और मिथुन राशि के ऊपर जो मंगल है उसकी भी दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ दुर्घटनाओं का योग भी ग्रहण जो है लेकर आ रहा है। भूसंकलन, भूपन, वाटर प्रॉब्लम्स, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का कनेक्शन है तो, और इस मास, इस वर्ष का जो राजा है वो बुध है और मंत्री है जो वो चंद्र है। चंद्र मन को मन का कारक माना जाता है, जल का कारक माना जाता है, तो तनाव की स्थिति आप देखिए इसीलिए बहुत ज्यादा बन रही है। वाटर इन्फेक्शन, वाटर बोन डिजीजेस इससे बढ़ जाती हैं, इस प्रकार की परेशानियां इससे बढ़ जाती हैं। तो ये ग्रहण जो है ये थोड़ा सा, क्योंकि 5 ग्रह वक्री हैं तो मति भी हमारी भ्रमित करते हैं, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो भी थोड़ा देर से आता है। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई ग्रहण आता है वो एक बदलाव को लेके आता है। तो मरकरी वक्री हो रहा है, जुपिटर और शनि वक्री हो रहे हैं, जिस कारण हम इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। वीनस वक्री हो रहा है, वीनस परिवार का कारक माना जाता है, सूर्य सरकार की सत्ता का कारक माना जाता है, तो सरकार में बहुत सारे न्याय और सरकारी बहुत सारे डिसीजंस इम्पोर्टेंट लिए जाएंगे, जिनको लेके थोड़ा सा हो सकता है कि जन साधन को लेके भी थोड़ी सी परेशानियां आए, जल से संबंधित प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं, और हमें किसी प्रकार के कोरोना वायरस का प्रकोप जो है वो अब थोड़ा बढ़ ही रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जिसका कि समापन जो होगा वो तब होगा जब शनि और गुरु जो हैं वह दोनों सितंबर में जाके डायरेक्ट हो जाएंगे। तो सूर्य जो है वो किसका कारक है? सूर्य सरकार का कारक है, राजसी सत्ता का कारक है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, जल का कारक है। तो आप देखिए कि इतने दिनों से हम यही प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ग्रहण के समय हो सकता है कि भय तनाव की स्थिति हो, मलेरिया जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पैनिक नहीं करना है, पैनिक कराना बिल्कुल नहीं होना है, सांत्वना से रहना है। क्योंकि जो भी ग्रहण आता है वह मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो रेमेडी का कारक माना जाता है, मेडिसिन का कारक माना जाता है। तो और जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा केतु के साथ वक्री होके जून के अंत में ही, 30 जून को। तो ग्रहण के बाद जैसे कि मैंने कहा कि एक नई शुरुआत होती है, तो एक मेडिसिन भी निकल के आ सकती हैं। ग्रहण का एक अच्छा मत जो ये रहेगा कि कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन ऐसी निकल के आए कि जिससे हम सबको राहत मिले, हम सबको परेशानियां कम हो। हमें ध्यान रखना है
कुछ राशियों को जिसमें कि मैं सजेस्ट करती हूँ, जिससे ग्रहण से जो ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक क्रिएट करने की कतई ज़रूरत नहीं है। मिथुन राशि, धनु राशि, सिंह राशि और मीन राशि को ये ग्रहण प्रभावित करेगा। मीन राशि और में ये ग्रहण लग रहा है, साथ में धनु राशि में भी ग्रहण जो है उसका असर जा रहा है, क्योंकि राहु जो है वो मीन राशि में विचरित कर रहा है और केतु जो है वो धनु राशि में विचरित कर रहा है और मरकरी, सन और मून जो है वो तीनों मीन राशि में विचरित कर रहे हैं। तो मरकरी को अगर मैं देखूं तो मरकरी जो है वो मानसिक स्थिति भी है, जो हमारी जो चंद्रमा है वो मानसिक तनाव कोई भी बात करता है। तो राजसी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे, हो सकता है कि जनता उससे ज़्यादा जो है वो सहमत ना हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि जो मंगल जो है, जो कि भूमि का कारक माना जाता है, वो भी दृष्टि दे रहा है मिथुन राशि पे, अपनी चतुर्थ दृष्टि दे रहा है मीन राशि पे बैठ के। तो ये हो सकता है कि कुछ दुर्घटनाएं, मंगल दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है, तो भू संकलन ये जो या कुछ दुर्घटनाएं जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। सिर्फ आपको सावधान करने का प्रयत्न कर रही हूँ मैं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं देखूँ तो इस ग्रहण का असर पड़ेगा जिनकी जन्मतिथि 3 है, 1 है, 8 है, 4 है, 7 है और 5 है, उन पे थोड़ा सा असर ज़्यादा पड़ेगा। थोड़ा सा भ्रम का माहौल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे, मैंने ये भी जैसे कहा कि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो रेमेडी का नक्षत्र माना जाता है, मेडिसिन का नक्षत्र माना जाता है, चिकित्सा का बुध जो है वो कारक चिकित्सा का भी माना जाता है, मेडिकल मून को भी मेडिकल वर्ल्ड से हम देखते हैं। तो ये ग्रहण एक योग भी हो सकता है लेके आए, क्योंकि जुपिटर जो है वो धनु राशि में चला जाएगा, तो किसी प्रकार की मेडिसिन भी हमारे लिए निकल के आए। और हमारे जो कोरोना का ये जो संबंध हमारा चला आ रहा है, ये सितंबर के आसपास जाके धीरे धीरे ख़त्म होगा। लेकिन आपने अपना ध्यान रखना है वाटरबोर्न डिजीज से, जल जो है वो साफ सुथरा पीजिए, क्योंकि जल से बहुत ज़्यादा संबंध इसका होने वाला है। तो जल का से साफ सुथरा पीजिए, अपने घर परिवार को ज़रा सचेत पहले कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन राशियों पर कैसा रहेगा राशिफल के हिसाब से ग्रहण का असर, किन राशियों को क्या ध्यान रखना है ये मैं बताऊंगी। मेष राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण जो है ये इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। भोजन के खान पान में भी अपना ध्यान रखिए, मानसिक तनाव जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और उसको भी आप थोड़ा सा विचलित ना होए तो बेटर रहेगा। यात्राओं का योग बन रहा है मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों को अपने वाणी पे ध्यान रखना है, वो कोई ऐसा गलत ना बोल दें जिससे कि उनको थोड़ा से परेशानी का सामना करना पड़े। धन संचय करने की आवश्यकता है वृषभ राशि वालों को, किसी भी प्रकार के छल से आपने बचना है और अपना ध्यान करना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रहण के समय जो है पूजा और अर्चना का ज़्यादा महत्व होता है, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, किसी कार्य को लेकर अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो वो भी असर बहुत ज़्यादा करता है, तो इस प्रकार से भी आप जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए जो है ग्रहण जो है ये यश का कारक भी बन सकता है, थोड़ा सा परेशानी भी रहेगी यश को लेके, हो सकता है कि आपके सम्मान में कोई किसी प्रकार की चोट लगे। विवेकपूर्ण आपने फैसले लेने हैं, आत्मसम्मान आप अपना बनाए रखें, उसे कम ना होने दें। माता पिता के स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी धन की हानि होने की संभावना बन रही है, तनाव में रह सकते हैं, मानसिक वेदना थोड़ी सी अधिक रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि पे असर रहेगा ग्रहण का, तो सिंह राशि वालों को अपनी आय को थोड़ा सा बजट बनाने की जरूरत है, आय के ऊपर दोबारा आंकलन कीजिए कि आय जो है वो किन स्रोतों से आ रही है और उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आत्मसम्मान अपना बना के रखिए, शत्रुओं से राहत मिलेगी आपको। और कन्या राशि वालों को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सलाह मैं अभी नहीं दूंगी। बिजनेस भी जो है वो सामान्य रहेगा, ठीक ठाक चलेगा।
पैतृक संपत्ति से कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है। बीमार अगर कोई घर में बहुत समय से चल रहा है तो उसकी सही चिकित्सा शुरू होने का भी हो सकती है। तुला राशि वालों को अपने पिता का ध्यान रखना है, आर्थिक स्थिति को संभाल के रखना है, अपने नित्य कार्यों को रेगुलरली करते रहिए, यात्रा से लाभ मिलने की संभावना है, किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों की सेहत को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इन्फेक्शन से किसी भी प्रकार की बचें, वाटरबोर्न डिजीज से बचें, अचानक लाभ हो सकता है वृश्चिक राशि वालों को। धनु राशि वालों को व्यापार में तरक्की मिल सकती है, उपलब्धि मिल सकती है, शत्रु जो हैं उनके परास्त होंगे और वैवाहिक जीवन में सद्भावना बनाए रखने की जरूरत है। पार्टनरशिप करने की सलाह मैं नहीं दूंगी। कोई भी अभी कार्य जो है वह नया शुरू करने से अभी रुके कुछ समय तक के लिए। मकर राशि वाले जो हैं उनको वहाँ पे शनि और जुपिटर दोनों वक्री चल रहे हैं इस वक्त, तो धन का संचय करने की ज़रूरत है। अपनी नौकरी के ऊपर दोबारा आंकलन कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। जमीन जायदाद को लेके थोड़ा सा सचेत रहिए। शत्रु आपके परास्त होंगे बट किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना है। कुंभ राशि वालों को संतान से तनाव हो सकता है, विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में धन अभी मत लगाइए, उससे थोड़ा सा बचिए आप। मीन राशि वालों की मंगल जो है वहां से दृष्टि दे रहा है ग्रहण को, तो निकट संबंधी जो है उनसे थोड़ा सा प्रियजन से तनाव हो सकता है। माता की स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जमीन जायदाद में अभी इन्वेस्ट ज्यादा मत कीजिए, स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एक चीज मैं और बताऊं कि ग्रहण के समय मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए, पूजा जरूर करनी चाहिए, और गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो उनको पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में भी अच्छा रहता है और आने वाले संतान पे भी अच्छा असर पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी नई वीडियोस लेके मैं आपके सामने जल्द आऊंगी। आपका दिन शुभ हो, यही मेरी कामना है। नमस्कार।